Assalamu alaikum, sab bird lover ko mera salam. Main hoon Hammad Hammad from Birds Information by Hammad. Aaj ek hum bahut hi achhi video banane ja rahe hain ki yaar imported bird acha hai ya local bird acha hai aur ye hain kya dono. Local bird kaise guess karte, iske upar bilkul achhi si video bana raha hoon ki yaar kaun breeding acha karega, kaun jaldi nahi marega, ye kaun mar to nahi jayega dalne pe, to iske upar ek achhi si video bana raha hoon. To video ki taraf badhne se pehle na bilkul saaf kar dunga yaar imported mein kya fayda hai aur local mein kya fayda hai. तो अभी ये वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले ना यार आप लोगों में से कुछ लोग भी नए आए हुए हैं तो उन लोग से एक छोटी सी गुजारिश है कि यार मेरे चैनल को ना यार अभी कभी सब्सक्राइब कर लिया, इतनी मेहनत कर रहा होता हूँ और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक इंशाल्लाह करिएगा आप लोग. सही, तो चलो वीडियो की तरफ डायरेक्टली बढ़ते हैं. चलिए मैं इम्पोर्टेड से पहले स्टार्ट करते हैं, इम्पोर्टेड में क्या फ़ायदे और क्या नुकसान आते हैं. सही है, और उसमें सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं एग्जाम्पल है, पहले फिर मैं आपको वजह बताता हूँ. एग्जीबिशन बजरीज अक्सरियत ने सुनी होगी क्या हाल हुआ था उसमें और अक्सरियत लोगों को उससे सीख मिली थी. कुछ बड़े बड़े ब्रीडर्स ने क्या किया कि यार उन लोगों ने कहा बस बहुत हो गई चीज़ें, बाहर से और चीज़ें मंगवाओ. उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने बाहर मुल्क से एग्जीबिशन बजरीज मंगवाए. हम लोग एक एवरेज रेट रखते जो ईज़िली समझ में आए, 1 लाख रुपये का जोड़ा मंगवाए थे उन लोगों ने, समझ लीजिए ज़्यादा के मंगवाए थे. 1 लाख रुपये का उन लोगों ने जोड़े मंगवाया. अब समझ लीजिए उन लोगों ने सारे ब्रीडर्स ने 100 पेयर नॉन फिगर मंगवा लिए. सही है, सबों ने बांट दे लिए अपने ऊपर पर. अब उन लोगों ने क्या किया यार, उनमें से अक्सरियत के क्या नाम है एग्जीबिशन बजरी से ना ब्रीड बिल्कुल भी नहीं की और ये हाल हो गया था कि यार वो लोग शोपीस के तौर में खाते पीते और बैठे रहते. और क्या होता यार, जब उनमें से अक्सरियत सुनने में आया था बहुत ज़्यादा मरे भी उनमें से. क्यों मरे यार, क्योंकि यार जो इम्पोर्टेड बर्ड है वो बाहर मुल्क से है, जो सच्ची बात है. अब बाहर मुल्क से आए या वो लोग हमारे मुल्क का ना वो लोग खाना पिए खाए हुए, ना हमारे मुल्क का पानी पिए हुए हैं, सेकेंडली वो हमारे मुल्क का क्लाइमेट नहीं देखे हुए. अब वो आए हुए हैं यार ठंडे क्लाइमेट से आए हुए हैं, अच्छे क्लाइमेट से आए हुए हैं. अब उस मुल्क से आए हुए हैं वो परिंदे मरेंगे नहीं तो फिर क्या होगा, जो ठंडे मुल्क से आए हुए अचानक से गर्मी में आ जाएंगे. और एग्जीबिशन अगर आप मैंने देखा हुआ है तो यार कितने भरपूर परों वाले होते हैं. अब क्या हुआ यार, वो जब इधर आए तो उनमें से मरने शुरू हो गए. अब लोगों ने डर के मारे ना उन लोगों ने डायरेक्टली उन्होंने बेचना शुरू कर दिया. अब उन लोगों ने पता क्या किया, 1 लाख के जोड़े 1000-1000 रुपये में बेचे, 2000-2000 रुपये में बेचे, ऐसा हिसाब हो गया था. इतना बुरा हाल हो गया था लोगों का, क्योंकि वो ब्रीड नहीं सिर्फ शोपीस रह गए थे क्वालिटी वाइज. अब उनमें से समझ लीजिए वो जो 100 पेयर थे ना उनमें से सिर्फ 10 पेयर ने ब्रीड किया. अब वो इस वजह से ब्रीड किया कि एक बंदे ने क्या किया, उसको बिल्कुल ही उसका उनके मुल्क के हिसाब से क्लाइमेट दे दिया, उनके मुल्क के लिहाज से उनका वो रख दिया, समझ लिया AC लगा दिया, बिल्कुल उसको थर्मोमीटर लगा के बिल्कुल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया. तो जाके बहुत ही हार्डली उसने भी सुने में था 25-30 पेयर लगाए थे, मगर उनमें सिर्फ 2-4 पेयरों ने 10 पेयर सही से करे वो मतलब मस्त हुए थे, मगर 2-4 पेयरों ने ब्रीड कर दिया डायरेक्टली. अब जो वो बच्चे आए थे ना, तो लोग तो कहते हैं यार उन लोग उसी वही बच्चे ने उसी क्लाइमेट मतलब AC वाले रूम से निकाल के यूँ बेचा, मगर वो नहीं किया था. उसने क्या किया था यार, उसके एक फॉस्टर किया था कि दूसरे मतलब बाहर ले गया था उसके अंडे उठा के वो दूसरे बजरियों के नीचे ना हमारे मुल्क के मतलब जो हमारे मुल्क में जब आम बजरी मिल रहे होते नॉर्मल साइज से उनके नीचे फॉस्टर करवा दिया, उन्हीं के उनको उनका फॉस्टर फायदा वो पेरेंट्स बना के ना उन लोग से वो बच्चे निकलवाए. एक तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेता है ना, तो उन लोगों ने क्या किया बड़ी मुश्किल से उसको ब्रीड करवा के जो बच्चे जो निकले ना उसको इस मुल्क के लिहाज से क्लाइमेटाइज किया. क्लाइमेटाइज मतलब कि इस मुल्क के लिहाज से इस मुल्क के अंदर इस मुल्क का हवा सह सके और इस मुल्क की गर्मी सह सके. अब उसमें से जो बच्चे निकले अब वो कहलाते हैं लोकल बच्चे, जो पहली जनरेशन जो दूसरी जनरेशन A to Z जितनी भी जनरेशन जो इम्पोर्टेड ब्लड लाइन से आई है वो थे लोकल बर्ड्स. वो इस मुल्क के इतनी आसानी से मरते नहीं, मरना तो हमारे हाथ में तो है नहीं, अल्लाह के हाथ में, तो मतलब इतनी आसानी से मरे नहीं वो लोग. सही है, मज़े की बात थी कि यार कम से कम ब्रीड तो से अपनी वो कर लिया, इन्वेस्टमेंट को सेव किया. तो ये लोकल बर्ड जो है थोड़े से ना क्वालिटी भी लो होती है, क्योंकि यार अक्सर ये देखी गई है कि लोकल बर्ड को ना ऐसे ही यूँ पेयर कर देते. यार बाहर में तो वो लोग कम से कम वो रखते क्वालिटी वाइज पेयरिंग करते तो क्वालिटी इंप्रूव रहती है, मगर लोकल बर्ड यार मैं अगर आपको लेने जा रहा है तो यार मैं इसको वो दूंगा कि यार इम्पोर्टेड बर्ड में ये याद रखना उसको आपको बहुत ज़्यादा ख़र्चा करना पड़ेगा, उसको उसके मुल्क के लिहाज से क्लाइमेट देना पड़ेगा तब जाके वो ब्रीड करेगा, वरना नहीं करेगा. और लोकल बर्ड जो लेंगे ना पहले से तीसरी जनरेशन के जिस भी जनरेशन के ले रहे हैं तो
तो वो क्या वो यार हमारे मुल्क में आराम से ब्रीड कर लेंगे, इजीली ब्रीड कर लेंगे, इतनी आसानी से उनको बीमार भी नहीं होंगे। आप लोग में से अक्सर लोग सोच रहे होंगे यार कि इम्पोर्टेड बट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है यार, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो यार एक चीज़ सुनो, हम भी इम्पोर्ट ऐसे ही नहीं करवा रहे होते, हम लोग भी वहाँ पर एवी लोगों से नहीं, हम लोग भी बहुत अच्छे सेलेक्टिव ब्रीडर से करवा रहे होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के बर्ड्स होता है। वो जो क्वालिटी वाले जो सेलेक्टिव ब्रीड करवाई हुई बर्ड्स होंगे वो जब यहाँ पर आएंगे तो यार हमारे लोकल से तो 10 गुना अच्छी नहीं लगेंगे यार। मगर यार अगर हम लोग भी यहाँ पर इस मुल्क में भी अगर ऐसे ब्रीडर्स हैं यार जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवा रहे, तो उन लोगों के बर्ड बाहर एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं और लोग बहुत बहुत ही अच्छे अच्छे रेट में ख़रीदे हमारे मुल्क के बर्ड्स। मगर क्या यार अगर हम भी सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवा लेना है, हम भी अच्छे अच्छे कर ले, तो हमारे जो लोकल्स बर्ड होंगे उनकी जो क्वालिटी है वो उस मुल्क के मुकाबले में 1000 गुना भी अच्छी कर सकते हैं। मगर क्या सिर्फ सिलेक्टिव ब्रीडिंग की ज़रूरत है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग नहीं है तभी। और मज़े की एक चीज़ बताता हूँ, अगर जो साउथ एशिया में जो लोकल बर्ड प्रोड्यूस हो गए हमारे पास ना यार, एक चीज़ बता दूँ, जो पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, ए टू जेड, इराक, जो भी ए टू जेड जो साउथ एशिया के ममालिक है, ये होते हैं हार्डी मुल्क। हम लोग अक्सरियत में कहा गया कि इधर के जो आवाम होती है ना हार्ड होती है, मतलब कि यह हर क्लाइमेट को बर्दाश्त करती है, हर चीज़ को बर्दाश्त कर देती है। अगर आप एग्जांपल ले लो तो यार जब अंग्रेज़ आए हुए थे तो कैसा हाल हो गया था यहाँ पे, मगर हम लोग जब वहाँ पे जा रहे तो हम लोग को इतना मतलब मसला नहीं होता क्लाइमेट के लिहाज से, उन लोग यहाँ पर आ जाते तो उन लोग बीमार भी हो जा रहे थे। उसी हिसाब से आप लगा लो कि यार अगर हम लोग के बर्ड्स जब वहाँ पे जाएंगे तो यार वो हार्डी बर्ड होंगे, वो हर मुल्क में रह लेंगे, हर ममालिक में आराम से रह लेंगे, तो वो उनकी डिमांड ज़्यादा होगी या वो उन बर्ड्स की ज़्यादा डिमांड होगी जो किसी और मुल्क में जाके मर जाते हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब ये चीज़ मुझे ये बता दो, तो लोकल बर्ड्स की अब ये रख लो कि यार अगर आप हमारे मुल्क में अगर ले रहे हो ना बर्ड्स, मैं आपको देता हूँ इम्पोर्टेड बर्ड लेना है तो लो, अच्छी क्वालिटी होती है, मगर उनसे जो लोकल बर्ड प्रोड्यूस करो उनकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाओ। अगर आप सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाओगे उनके एक्सपोर्ट आराम से होंगे और आपको खुल्लम खुल्ला लोग ऑफर करेंगे यार ये मुझे दे दो। इंटरनेट में तो डालो यार, हम लोग इंटरनेट ही यूज़ नहीं कर रहे, मैं खुद इंटरनेट यूज़ करता हूँ कि यार चुटकी बजा से दूसरी चीज़ निकल जाती है, मार्केट में ले जा रहे हैं यार। माना हम लोगों ने कि यार लालू खेत बंद हो गए, लालू खेत बंद हो गई तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं हो गई है, लालू खेत चलो हो गया, इंटरनेट में डालो यार मजाक से हट के, मैं भी वहाँ पर सेल करता कुछ नहीं हो रहा है। अगर बहुत सारे लोगों से पूछो तो भाई लालू खेत बंद हो गया तो क्या हुआ, ऑनलाइन मार्केट तो अब आई गया, अक्सरियत आवाम को मज़ा आना शुरू हो गया, क्योंकि यार ऑनलाइन मार्केट में अब तो लोग घर आके ले जा रहे हैं तो लोगों को और पसंद आ रहा है, खड़ा रहना, घूमना फिरना, धूप में रहना, झंझट ख़त्म। ऑनलाइन सेल करो तो बंदा घर आके उठा के लेकर जाएगा, बस क्या चीज़ अच्छी दो। और यही बात है यार, मैंने एक चीज़ क्लियर करनी थी कि यार लोकल चीज़ और इम्पोर्ट चीज़ में क्या फ़र्क है। भाई इम्पोर्टेड में थोड़ा सा सॉफ्ट जानवर होता है, क्योंकि यार सॉफ्ट परिंदा होता है, वो थोड़ा सा क्लाइमेटाइज नहीं होता, हमारे मुल्क का मौसम के लिहाज से एडजस्ट नहीं कर पाता, तो मर भी जाता और ब्रीड भी नहीं करता, अक्सर ये तो ब्रीड नहीं करते हैं। और लोकल ये होता है कि यार हमारे मुल्क के लिहाज से क्लाइमेटाइज होते हैं और ब्रीड आराम से कर लेते हैं। चलिए अभी एक छोटी सी वीडियो थी तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर डिटेल बना दूँ। अच्छा मेरी तरफ से अभी अल्लाह हाफिज़ है। और हाँ, अगर आप लोगों में से अभी कुछ लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब तो कर लो यार, सही है। अल्लाह हाफिज़।